पंचायत निर्वाचन तारीख जी पाखे से प्रार्थी एवं स्टार प्रचार अर्थात कहुपर हेवीवेट नेता गाँ गंडार भिड़ लगुच निज प्रार्थी को विजय पाई स्टार प्रचार भाव एपरिकी हेवीवेट नेता मैंने गाँ गंडार पहुँची भोट भिक्षा करमें अच्छे ब्रह्मगिरी ब्लक आम सहित ब्रह्मगिरी विधायक अच्छा ललितेन्दु विद्याधर महापात्र जे कि निजर प्रार्थी जे जिला परिषद प्रार्थी मानी भोट भिक्षा कर सरपंच समिति सभ्य वार्ड मेंबर माने आलोचना करें आज्ञा जिते बे निर्वाचन माहौल केते रही उष्मता केते रही केमी चलती निर्वाचन प्रचार निश्चित भाव में देखो किसी दिन हम ये निर्वाचन प्रचार बेले मैं अनुभव करुच्ची लोक मैंने नरेन्द्र मोदी जो गरीब कल्याण योजना खूब जोर प्रभावित होती आज सारा ओडिशा लोक जान सारी जे कोविड भाई गोटे कष्टकर समय मोदी जी जो गरीब मानी फ्री रेशन गत दुई वर्ष चलते कौन सी लोक आज भोक रोना एवं साधारण खटिकिया लोक चाषी समस्त जो योजना गुड़िक वर्तमान जो डीबीटी माध्यम रे जो मोदी जी करी से गरीब लोक सीधा पहुँच पड़ी से आर्थिक सहायता तेणु लोक मैंने आज उपलब्धि करी मोदी जी को पुणी हाथ मुता को टाण कर त्रिस्तर पंचायत निर्वाचन में भारतीय जनता पार्टी प्रार्थी मानक जिला परिषद प्रार्थी मानक लोक मनस्थ कर सारे भोट देक मोदी जी को हाथ मुठा को टाण करेंगे आज्ञा 2019 साधारण निर्वाचन में आप प्रथम थर टिकेट पाइले बीजेपी रु और प्रथम थर बीजेडी को चकमा देक ब्रह्मगिरी विधायक कले एथरक सेमती 6 जोन रही ब्रह्मगिरी निर्वाचन मंडल केमी फल हे निश्चित भाव में आम देखा पाच जे 6 जो जोन अच्छी सबुठी भारतीय जनता पार्टी प्रति लोक मानकर बहुत आदर अच्छी समस्ते चाहते भारतीय जनता पार्टी प्रार्थी मानक जितेकना मोदी जी हाथ मुठा को टाण करने तेणु 6 जोन में आम सुदृढ़ अवस्था अच्छा भावुँ जो आम 6 जिला परिषद आसन हासिल कर पंचायत निर्वाचन डोर टू डोर बुलुंत निजर समर्थक प्रार्थी मैंने कौन मुर्दा वास्तव रही बीजेपी हाथ में कौन मुर्दा जो मुर्दा को नहीं भोटरों पाखे पहुंचे बीजेपी देखो प्रथम कथ हूँ मोदी जी जो गरीब कल्याण योजना ता डायरेक्टली लोकों पाखे पहुँचवा जो पहुँची पार्टी से लोक मैंने प्रभावित अच्छा ता छड़ा आम ब्रह्मगिरी स्पेसिफिक भाव में कहवाक चाहूँ जदि आम जिला आम ब्लॉक दखल करूँ तेज गोटे दुर्नीतिमुक्त गोटे स्वच्छ शासन जगेदेबू लोक मेरे और लोक मैंने मोर जो 2 वर्ष 8 मास जो टेन्योर थी से टेन्योर में निजे अनुभव कर स्वच्छतार सहित राजनीति करने को चाहे मुझे दुर्नीति के व्यक्तिगत स्तर में किंवा कहा माध्यम ये दुर्नीति के चाहे ना तेणु लोक मैंने से कथा अनुभव करा हूँ मुख्य प्रसंग हम कारण देखो तो पंचायत स्तर में जब सरपंच स्वच्छ हम दुर्नीति करना तेज लोक मैंने साधारण लोक उपकृत हो पारे किंतु गत निर्वाचन में ब्लॉक रे जो भाई अवस्था जो भाई दुर्नीति तार उचित जवाब ये निर्वाचन में लोक मैंने देते कह जा पंचायत निर्वाचन टा बीजेडी रे गर 6 जाक जोन बीजेडी हाथ को जाऊला एथरक कहते आप पंचायत निर्वाचन टे जिला परिषद गुड़ी बीजेपी हाथ को आसो एते आशा एते दृढ़ के 2017 मसीह प्रथम थर पर राजनीति को प्रवेश करी से पंचायत इलेक्शन होता से निश्चित भाव में आम 6 जाक आसन हार किंतु ठीक तार 1.5 वर्ष पर साधारण निर्वाचन होता लोक मान बहुमात्रा समर्थन आशीर्वाद जो आम भारतीय जनता पार्टी प्रथम थर पर ब्रह्मगिरी सीट को हासिल करता तेणु भावुची 2 वर्ष 8 मास जो अनुभूति लोक मान जो अनुभव करश्चित भाव में भारतीय जनता पार्टी को पुनर्वार आशीर्वाद कर बड़ समस्या तो अच्छी ना ब्रह्मगिरी निर्वाचन मंडल में फनी बात्या गोटे मुख्य प्रसंग पलटी फाइलिंग सहायता भी मुख्य प्रसंग पलटी एपरिक पक्का घर भी लोकों पाखे पहुँची पारानी लोके केमी विश्वास करेंगे नेता मान देखु ये जो चयन प्रक्रिया ए प्रतिनिधि कौन सी भूमिका नाला प्रतिनिधि कौन भूमिका नाला ये सरकारी ऑफिसर सरकारी ऑफिसर माने ही चयन प्रक्रिया थिले एवं निजे लोक मैंने जापर जे ए बीजेडी सरकार समय रे लांचुआ ऑफिसर एवं शासक दल जो कुजी नेता मैंने अच्छा से मैंने व्यापक दुर्नीति कर प्रकृति में अजोग्य लोक सहायता देखते योग्य हिताधिकारी ए वंचित होती तार जवाब ये निर्वाचन में निश्चित भाव में लोक मैंने जनइबे आज्ञा जो डोर टू डोर बुलुंत लोकों प्रश्न कौन रोच लोकों उत्तर आप रखुं लोकों समस्त प्रश्न रोचे स्वच्छ शासन कारण गत फाइलिन फनी भाई
ଦିଦିଟା କଥାରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଞ୍ଚଳ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଯାଇଛି, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକ୍। ତେଣୁ କେମିତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ପାଇବେ ଲୋକମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିନେଇଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ଦେଇପାରିବ। ତେବେ କେତେ ଆଶାବାଦୀ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୋନ୍ରୁ କେତେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବାର କେତେ ଆଶାବାଦୀ, ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତର କେଉଁ କେଉଁ ଗାଁ ଆପଣ କଭର କଲେଣି, ଆଉ କେଉଁ ଗାଁ ବାକି ରହିଛି? ପ୍ରତି ଗାଁ କଭର ସରିଲାଣି, ପୁନର୍ବାର ବୁଲୁଛୁ। ଏବଂ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକରେ ତିନିଟି ଯାକ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ ହାସଲ କରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ଏବଂ ବିଧାୟକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା, ଯେଉଁ ଛଅଟି ଯାକ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଛଅଟି ଜୋନ୍ ରହିଛି, ଏବଂ ଛଅଟି ଯାକ ଜୋନ୍ ଏତେ ସ୍ତରୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ହାତକୁ ଆସୁଛି, ଏବଂ ବିଜେପିର ଯିଏ ଥିଲେ ସମର୍ଥିତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଙ୍କର ଦୂରକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକରେ ଥିବା ତିନୋଟି ଜୋନ୍ ଏବେ ବିଜେପି ହାତକୁ ଆସୁଛି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ବାସ୍ତବରେ କେମିତି ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ, ଆଶାନୁରୂପକ ଫଳ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ତାହା ତ ଫଳାଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ, କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଉଛି ବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଏଥର ବିଜେଡ଼ିର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବ ବିଜେପି। ଏ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପିର ସମର୍ଥକମାନେ, ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଭିତରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଫଳ କେଉଁ ଆଡ଼ିକି ଢଳୁଛି ତା ଅପେକ୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କର। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜଣାଇଛି ଦୀପକଙ୍କ ସହ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।